बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे बेनेली 600 की राइड करने के लिए, तो आज मेरे पास है हमारे संजू भाई की बाइक बेनेली 600 आई। दिस वन इज 2016 मॉडल एंड ये वाला जो है ना नॉन एबीएस वेरिएंट है। तो आपको थोड़ा सा मैं इंजन के बारे में बताऊं कि दिस इज 600 सीसी 85.5 बीएचपी का पावर है एंड जो टॉर्क है वो है अराउंड 54.5 और 55 एनएम का। एंड ग्राउंड क्लियरेंस है वो है अराउंड 150 एमएम, जो मेरी 900 से ऑलमोस्ट 20 एमएम ज़्यादा है। एंड पीछे आप देख सकते हैं ये IXIL 55 एग्जॉस्ट है इसके, कंपनी की तरफ से तो स्टॉक आता है लेकिन अगर आप लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो। और बाइक कुछ ऐसी दिखती है, और ये एक तो ये बाइक एंड एक हायाबूसा, ये दोनों बाइक्स बहुत फेमस है एग्जॉस्ट के लिए। मतलब हायाबूसा तो आपको पता ही है क्यों फेमस है, लेकिन ये जो बाइक फेमस है इसके एग्जॉस्ट के लिए, मतलब इनलाइन फोर का अगर आपको साउंड चाहिए तो ये बाइक को कोई बीट नहीं कर सकता। थोड़ा सा हम चलाएंगे एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। भाई भागने में तो यार ये भी मस्त भागती है, लेकिन इसका जो पावर आता है ना वो 6000 RPM के बाद में आता है। मुझे एग्जॉस्ट की आवाज़ के अलावा सिर्फ एंड सिर्फ थोड़ी हवा की साउंड आ रही है, बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो सीट हाइट है वो भी ऑलमोस्ट 800 mm है, मेरी बाइक से ऑलमोस्ट 10 mm ज़्यादा है। Oh.
9.4 कोई भी बाइक है ना, बहुत स्मूथ रहती है। अगर आप लोअर आरपीएम में चला लो चाहे आप हायर आरपीएम में चला लो, आपको वाइब्रेशन तो फील ही नहीं होता, ऐसा लगता नहीं कि नीचे कोई इंजन भी है। तो ये ही सबसे अच्छी चीज़ है इनलाइन फोर की। इनलाइन थ्री भी बहुत बहुत स्मूथ रहती है, लेकिन इनलाइन फोर का तो जवाब नहीं है कुछ। सीट हाइट 800 है mm पे, तो मेरे दोनों पैर आराम से टिक रहे हैं ग्राउंड पे। अगर आपकी हाइट 5.6 5.5 है तो आप इसको चला पाओगे, उससे कम हुई तो आप सिर्फ ऐसा एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। ऑन रोड प्राइस मेरे हिसाब से शुड बी अराउंड 7.6 lakhs। इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर है नहीं। एंड ये वाली थी ना, ये बाइक 2016 का, इसमें ABS नहीं था। सामने 320 mm का डिस्क है, पीछे ऑलमोस्ट 260 या 270 mm का है। इसमें आपको ABS पहले नहीं मिलता था, लेकिन अभी जो बाइक आ रही है, आई थिंक पोस्ट 2017 जो बाइक आती है, वो आती है ड्यूल चैनल ABS के साथ। कितना बड़ा सिग्नल है भाई,